नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और हमारे सेगमेंट जेके क्राइम फाइल में आज मैं एक ऐसे क्रिमिनल की कहानी आपके सामने ला रहा हूं जिस क्रिमिनल का नाम सुनते ही लोग थरथरा उठते थे और सर्कुलर रोड कम से कम सुनसान हो जाया करती थी, वो भी 7 बजे के बाद। उस रास्ते से कोई भी स्कूटर सवार या कोई पैदल आदमी उधर से नहीं गुजरता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा केंद्रीय होटवार में बंद पैच। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा केंद्रीय होटवार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी सुरेंद्र सिंह बंगाली। ऐसे तो सुरेंद्र सिंह बंगाली का पूरा नाम सुरेंद्र सिंह रौतेला है और वह आर्मी छोड़ करके अपराध की दुनिया में आया था। जब वह क्राइम वर्ल्ड में कूदा तो उसने रांची को अपना टारगेट बनाया। उसने यहाँ के लोगों से रंगदारी वसूलनी शुरू कर दी। वह किसी को भी अपने सामने बॉस बना नहीं देना चाहता था। कुछ सालों तक सुरेंद्र बंगाली अपने गैंग का स्ट्रेंथ बढ़ाने में लगा रहा। उसके गैंग में कई नामी ग्रामी शूटर्स शामिल हुए। चूंकि बंगाली खुद आर्मी में रह चुका था इसलिए उसका निशाना अचूक होता था। बंगाली के गैंग में 20 ऐसे नोटरियस क्रिमिनल्स थे जिनके दम पर बंगाली गैंग की तूती बोलती थी। बंगाली गैंग ने सिटी में जमकर रंगदारी वसूली। रंगदारी नहीं देने पर कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया था। सुरेंद्र बंगाली का सामना कभी कभी अनिल शर्मा गैंग से भी हो जाता था। रांची से बाहर रहकर भी सुरेंद्र बंगाली रांची को थर्राए रखता था। उस वक्त एसएसपी ऑफिस के पास धनंजय सिंह मर्डर के बाद पुलिस की नींद टूटी और सुरेंद्र सिंह बंगाली को वेस्ट बंगाल जाकर अरेस्ट किया। तब से वह जेल में बंद है। सुरेंद्र सिंह बंगाली के जेल जाने के बाद उसी का एक शागिर्द कर्मा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने सुरेंद्र सिंह गैंग का कमान संभाला और गैंग में जान फूंकने की कोशिश की। वह नामकुम एरिया के तेतरी का रहने वाला था। नामकुम और टाटी सिल्वे एरिया में कर्मा सिंह दहशत का दूसरा नाम था। अपना दबदबा कायम करने के लिए वह इलाके में किडनैपिंग, मर्डर, रंगदारी जैसे वारदातों को अंजाम देने लगा था। इससे एरिया के लोगों में उसके प्रति गुस्सा था। एक दिन लोगों का गुस्सा उस पर फूट पड़ा और मौत की शक्ल में लोगों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आगे के सेगमेंट में जेके न्यूज नेटवर्क में अगले बॉस कौन है, उन बॉस की क्या कहानी है, क्या थ्योरी है, यह हम आपको बताएंगे। आप हमारे न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।